पानी में पानी बहुत है, पानी इसमें बहुत पानी है, मतलब डूब सकते हैं हम, उधर नहीं जाएंगे, कुट्टा नहीं कुट्टा, यहाँ उधर नहीं जा सकते, बहुत पानी है बहुत। तो गाइस अभी हम लोग क्या है रे मशीन, तो मशीन जनरेटर मतलब कि बिजली पैदा करने वाला मशीन लेके जा रहे हैं। और ये कितना लड़का सब है रोड पे खींच रहा है, क्योंकि डीजे बजाएंगे, डीजे भयंकर फुल्ली मस्ती होगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब कि जुलूस निकालेंगे कि कलश यात्रा निकलेगा, बहुत सारा आदमी रहेंगे, कलश यात्रा बहुत भयंकर मस्ती आने वाला है और आप लोग को मस्ती देंगे मेरा ब्लॉग में। तो फिलहाल अभी लेके चलते हैं घर मशीन को, उसके बाद डीजे वजे लाएंगे। तो गाइज फाइनली हम लोग डीजे वजे सब चीज़ लोड कर लिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि मतलब सारा काम दोस्तों हम ही को देखना पड़ा था, इसीलिए कि हम मतलब वीडियो नहीं बना पाए। और यहाँ पे कलश यात्रा निकल चुका है, जितना सब कलश लिए हैं यात्री श्रद्धालु से जितना कलश लिए हैं सबको लाइन में एकत्र लगा रहे हैं, उसके बाद लेके जा रहे हैं जाएंगे। मतलब हम लोग के घर से लगभग दोस्तों लगभग 5-7 किलोमीटर पैदल जाएगा। वहाँ पे एक नदी है जो कि दो नदी का काम है दोस्तों, एक नदी में जल भरे और दूसरा नदी में जल को मतलब कि विसर्जित कर, दूसरा नदी में जल को बहाएगा और कलश को भी बहा देगा। तो हम लोग अभी फिलहाल निकल चुके हैं गांव में, किस टाइप का कलश यात्रा निकाला जाता है और किस टाइप का मतलब खुशहाली कोई भी चीज़ होता है किस टाइप का होता है, फिलहाल आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो गाइज यहाँ पे दो गो कलश यात्रा मिल चुकी है, मतलब कि एक दूसरा गांव का कलश यात्रा निकाले थे आज के दिन और हम लोग भी निकाले उसी दिन, जो कि रास्ते में मिल चुके हैं वो लोग भी जो जा रहे हैं। दूसरा डीजे वाला जो है वो दूसरा कलश यात्रा है दूसरा गांव का, और हम लोग का गांव का ये वाला है जो कि अस्त मतलब खड़े हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं, तो ये लोग अभी उधर से आ चुके हैं। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों वाला दोस्तों, और ये कलश यात्रा दोस्तों लास्ट में दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है, जो कि घर पे आके अपना दरवाजे पे आके दोस्तों डीजे लगाएंगे और यहाँ पे डांस प्रोग्राम चलेगा जो कि सारा सब कोई मिल के डांस करेंगे। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग मंदिर पे पहुंच चुके हैं बाबा भोलेनाथ मंदिर पे, और यहाँ पे मतलब जल को भरा जाएगा कलश में, उसके बाद यहाँ से और जाएंगे लगभग 4-5 किलोमीटर दूर जो कि जल को विसर्जित करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे मंदिर के चारों चक्कर लगा रहे हैं ये सब श्रद्धालु सब, उसके बाद यहाँ पे जल को भरा जाएगा। फिलहाल आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, बहुत ही मस्त होने वाला है आगे का सीन, आप लोग बने रहिए। तो गाइज यहाँ पे फाइनली जल को मतलब कलश में भरा जा रहा है, उसके बाद यहाँ से चलेंगे दूसरा नदी के पास जो कि वहाँ पे जल को विसर्जित करेंगे, जल और ये कलश दोनों विसर्जित होगा दूसरा मंदिर में मतलब दूसरा नदी में। फिलहाल यहाँ पे जल को यहाँ से भरा जा रहा है। तो
फाइनली गाइस जल भर लिए कलश में और जा रहे हैं दूसरा नदी के पास, जो कि यहाँ से दोस्तों काफी दूर है। और अभी दोस्तों शाम हो चुका है और वहाँ नदी के पास जाते जाते दोस्तों बहुत ज्यादा शाम हो जाएगा। फिलहाल आप लोग देखिए क्या होता है आगे। तो फाइनली गाइस दूसरा नदी के पास आ चुके हैं और यहाँ पे दोस्तों काफी शाम हो चुका है, जो कि कैमरा दोस्तों ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। यहाँ पे नदी बहुत बड़ा नदी है दोस्तों, यहाँ पे जल को मतलब जल और कलश को विसर्जित कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद चलेंगे दोस्तों घर, वहाँ पे चलेगा पूरा प्रोग्राम बहुत मस्त वाला, जो कि सब कोई मिलके डांस करेंगे घर पे, डीजे बजा।